जो मीन राशि के जातक हैं, आज आपके परिवार में शुभ कार्य हो सकता है, शुभ समाचार मिलेगा, शुभ संदेश मिलेगा, संतान का मनोबल हाई रहेगा, उनका मनोबल बढ़ाना श्रेष्ठ रहेगा। कई बार आपको लगता है कि संतान से थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो उसके मनोबल जितना ऊंचा करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। और आज आपके विरोधी हैं आपकी प्रगति से काफ़ी सक्रिय रहेंगे, गुप्त शत्रुओं की संख्या में वृद्धि हो सकती है। और आज आपके कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा, पिता से लाभ होगा, ससुराल से धन लाभ होगा, स्वास्थ्य को लेकर आज आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और जो मीन राशि वाले जातक हैं, आज आपको ध्यान रखना कि दशम में शनि है तो पिता से वैचारिक मतभेद, बेवजह बातों को लेकर के दिक्कत हो सकती है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और आज आप कर्म क्षेत्र में विस्तार भी हो सकता है, और शनि फोर्थ हाउस को देख रहा तो माता के हेल्थ को लेकर के थोड़ी तनाव हो सकता है। और आपका राहु पंचम स्थान में, तो आज आपको अपनी मंत्रणा से, अच्छे बुद्धि से, राय से पैसा कमाएंगे, आप बहुत अच्छा ओरेटर का कार्य करेंगे, बहुत अच्छा डिबेटर हो सकते हैं, और एकेडमिक के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप लिटरेचर के क्षेत्र में तो अच्छा कर सकते हैं, अगर आप रिसर्च वर्क करते हैं तो बड़ा अच्छा करते हैं, एकेडमिक के क्षेत्र में बड़ा और कर सकते हैं, जैसे माइंस है या किसी प्रकार का मान लीजिए कोई निर्माण करना चाहते हैं, जैसे आपका मिसाइल मैन बढ़िया हो सकते हैं, रिसर्चर बढ़िया कर सकते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में आज कुछ ऐसा करेंगे कि आपका नाम होगा। और आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी बरतनी है कि माँ के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना है। उपाय क्या करना है, भगवान विष्णु जी की उपासना करें, अच्छा रहेगा, उनकी आराधना करें, और आज आप मिश्री और तुलसी दल उनको अर्पित करें, अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग पीला, लक मीटर 9 है। हरे कृष्ण।